पृथ्वी की आंख संरचना में इनके बारे में नाम तो सुना था लेकिन इनके बारे में अधिक पढ़ा नहीं था। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एस्ट्रोनोस्फीयर। तीसरा होता है हमारा मेसोस्फीयर। पहला हमारा आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि हमने उसमें पृथ्वी की जब आंख संरचना टॉपिक पढ़ा था उसको देख लेना, मैं लिंक में नीचे शेयर कर दूंगी। तो उसमें लिथोस्फीयर में सिर्फ इतना पढ़ा था कि पृथ्वी की जो संरचना बताई थी उसमें क्रस्ट मेटल कोर को बांटा था और उसके बीच में जो एक पतली सी लेयर आई थी उसको बता दिया था कि लिथोस्फीयर एस्ट्रोनोस्फीयर कहाँ पर है। ठीक है, अब इस लिथोस्फीयर में कितना एरिया आता है, किस तरह से आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो मैं पहले एक करके बात करती हूँ। जो लिथोस्फीयर है इसका मतलब है ये कहाँ तक रहता है, ये 100 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है। ठीक है, मैं बहुत शॉर्टली लिखूंगी जिससे कि तुम इसको इसकी शॉर्टली ले सको। ठीक है, 100 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है। अब हम यहां से जीरो मान लें तो ये क्या हो गया, यहां पे अगर हम 100 किलोमीटर बताते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लिथोस्फीयर। लिखूं लिथोस्फीयर। ठीक है, अब हम इस विशेषताएं पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता होती है। ये अब कहाँ आएगा, ये आएगा कहां पर, ये क्या है हमारा क्रस्ट। ठीक है, ऊपर को हम क्रस्ट बोलते थे और यहां से क्या हो जाता है शुरू मेटल। तो अब हम पढ़ रहे थे कि लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर आता कहाँ पर है, तो हम लिथोस्फीयर की बात करें तो ये कहाँ आएगा क्रस्ट और ये नीचे हमारा मेटल शुरू हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें सिंपल बताया था कि क्रस्ट मेटल कोर थी इसलिए बताए थे, अब मैं क्रस्ट मेटल कोर को नहीं बताऊंगी क्योंकि उसमें फिर तुम कंफ्यूज हो। ठीक है, तो ये कहाँ आता है क्रस्ट, जो लिथोस्फीयर आएगा ये ऊपर हो गया हमारा क्रस्ट और यहाँ पर नीचे मेटल है, तो मेटल का तो ऊपरी हिस्सा आएगा और क्रस्ट का पूरा। ठीक है, तो इसे कहां बोलेंगे हम, क्रस्ट से ऊपरी मेटल तक। ठीक है, यानी क्रस्ट का हिस्सा और पूरी ऊपरी मेटल का जो गुण है वो दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। और क्यों इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, क्योंकि ये क्रस्ट और ऊपरी मेटल का हिस्सा कहा जाता है क्योंकि इन दोनों के यांत्रिक गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों के जो गुण है यानी क्वालिटियां कैसी है, कैसी विशेषताएं, सारी लगभग लगभग एक जैसी कंडीशन पाई जाती है, इसे बोलते हैं इसे यांत्रिक गुणों के आधार पर एक जैसा व्यवहार करती है। इसीलिए अगर मैं लिखूं यांत्रिक गुण के आधार पर एक जैसी। ठीक है, यानी यांत्रिक गुणों का आधार पर अगर हम तो एक जैसी होती है, इसीलिए हमको इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब ये कैसी होती है, ये अत्यधिक कठोर होती है। अब देखो नेट में क्वेश्चन आते किस तरह का आता है, ये हमने मैंने यहां कह दिया लिथोस्फीयर कैसा है, अत्यधिक कठोर। ठीक है, दूसरी ओर हम अपोजिट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे नेट की तैयारी कराने का बता रही हूँ। तो अब लिथोस्फीयर में लिखा मैंने अत्यधिक कठोर, जबकि हम क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट पर कौन सी पाई जाती है सबसे अधिक, जो 75% क्षेत्र पर कौन सी पाई जाती है, अवसादी से। अवसादी से कैसी है, मुलायम है, रवेदार है। ठीक है, दो चीज अपोजिट बोल रहे हैं, इसीलिए ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी आगे आके वीडियो में तुम्हें बहुत कंफ्यूजन क्लियर करूंगी किस तरह के आते हैं। अब पहला क्लियर हो गया कि लिथोस्फीयर अत्यधिक कठोर होता है यांत्रिक आधार पर, यानी वो है जो है अपसादिश है लेकिन वो कैसे है, अत्यधिक कठोर। ठीक है, सेडिमेंट जो होती है वो पूर्ण
कठोर ही होती है। ये हो गई। अब ये बनी किससे होती है? ये ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बनी होती है। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बनी होती है, इसीलिए से बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। लेकिन अब सभी सेल जो पाई जाती है सेवन डिफरेंट, वो कहां पाई जाती है? क्रस्ट क्रस्ट पाई जाती है। और उसकी जो आंतरिक हिस्से से बच गया, यहां पर क्या रहता है? ये अत्यधिक कठोर में रहता है। अब हम बात करेंगे एस्थेनोस्फीयर की। तो एस्थेनोस्फीयर कहां तक पाया जाता है? लिथोस्फीयर कहां बताया था मैंने? 100 किलोमीटर की गहराई। एस्थेनोस्फीयर कहां होगा? 200 किलोमीटर की गहराई। ठीक है, यानी कि यहाँ से 100 से ये आ गया हमारा 200 किलोमीटर। इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये 200 किलोमीटर इसको एस्थेनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जैसे मैंने बताया था पृथ्वी का समय प्राचीन युग में, कि यहाँ पर से जो वेव्स का शुरू हो जाता है, मोर ऑफ इसकी भी पाई जाती है। क्यों? वो जो तरंगे जो विपरीत कंडीशन बदलने के कारण, जो मोर ऑफ इसकी जो सतह पाई जाती है, वहां पर क्या होता है कि दो गुण अलग अलग मिलते हैं, तो उसको सतह वो बोलते हैं। जो अलग अलग है जैसे लेहमान संक्रमण क्षेत्र, मोर ऑफ इसकी पदार्थ है ना मैंने उसमें, तो एस्थेनोस्फीयर क्या है, यहाँ से विशेषता बदलने लगती है और वो जो है कहाँ तक मिलती है? जैसी 200 किलोमीटर की गहराई। ठीक है, अब ये कैसी होती है? अर्ध तरलीय। जैसे बिल्कुल अर्ध तरल कैसी होती है? आधी तरल सी होती है, पूरी तरह से ना तो तरल होती है ना पूरी तरह से ठोस होती है। ठीक है, अब अर्ध तरल में कैसी लगती है? प्लास्टिक जैसी लगती है। जो प्लास्टिक जैसी उसकी तरी होती है, जो विशेषता होती है वो कैसी होती है? प्लास्टिक जैसी विशेषता होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो होता है, जैसे कि इनमें जो इसकी जो थिकनेस है वो इतनी अधिक होती है, गाढ़ी होती है, वो भी सिल्ट शब्द अगर तो याद हो, सिल्ट जो होती है वो कैसी होती है? पतली भी होती है लेकिन वो ठोस जैसा व्यवहार करती है। तो इसका जो द्रव्यमान है वो भी अधिक होता है, द्रव्यमान भी अधिक होता है और घनत्व भी अधिक। जैसे तो मैं सिल्ट का उदाहरण दे रही हूँ कि जो सिल्ट किसे बोलते हैं, जो गंदी नलों से निकलती है, नालियों से निकलती है, वो अगर वो उसको हम बाहर निकालते हैं तो होती लिक्विड है, लेकिन गिरते कैसे जाती है? ठोस हो जाती है। तो वो द्रव्यमान और घनत्व कैसा है इसका? अधिक होता है। और इसीलिए द्रव्यमान और घनत्व कैसा है? अधिक होने के कारण लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है। लिथोस्फीयर जो है एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। अब हम बात करेंगे आगे मेसोस्फीयर की, कि मेसोस्फीयर कहां तक पाया जाता है। तो 2800 किलोमीटर, ठीक है, यानी कहां तक? 2800 किलोमीटर की गहराई तक। क्या माना जाता है? मेसोस्फीयर। ठीक है, अब ये कैसे अवस्था रहता है? यहाँ मैंने क्या लिखा? अर्ध तरल। यहाँ क्या लिखेंगे हम? ये कैसी अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। ठीक है, ठोस अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि बढ़ते दबाव के कारण। ठोस अवस्था का कारण क्या है इसका? बढ़ता दबाव। क्यों? क्योंकि ऊपर से दबाव इतना अधिक पड़ने लगता है कि वो लिक्विड होते हुए भी ठोस अवस्था जैसा हमें प्रतीत होता है। ठीक है, इसको दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। दुर्बलता मंडल,
क्यों? क्योंकि सबसे अधिक जो दुर्बल दुर्बल चीज आएगी वो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये कहां पर फंसा हुआ है? कोर के मध्य में। दुर्बलता मंडल कहते हैं क्योंकि ये जो है कोर के मध्य में फंसा मंडल है। ठीक है, क्योंकि ये कोर के मध्य में फंसा हुआ है। नीचे क्या है हमारा? सारा कोर है, एस्टोनोस्फीयर से दबाव होने के कारण ऊपर प्रेशर बना रहता है, इसे दुर्बलता मंडल या मध्य मंडल भी कहते हैं। दूसरा आता है इसके लिए मध्य मंडल। मध्य मंडल क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कोर और एस्टोनोस्फीयर के ऊपर दबा हुआ हिस्सा है। ठीक है, मेसोस्फीयर, ये क्लियर हो जाएगा। मेसोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल और मध्य कोर, यानी कोर नीचे हमारा क्या होता है? बैरोस्फीयर बोलते हैं। वैसे इसको क्या बोलते हैं? कोर। और वैसे इसको बोलेंगे हम बैरोस्फीयर। 6371 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं बैरोस्फीयर। अभी मैं समझाती हूँ दोनों का अंतर क्या है, कि हमने इनको अलग क्यों नाम दिया है और वैसे इनका नाम क्या है। ठीक है, अब बैरोस्फीयर जो होता है वो कहां तक है? मैंने लिखा यहाँ पे 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, यानी ये कोर तक, इसको हम बोलते हैं कोर, ये आंतरिक कोर है। ठीक है, 6371 किलोमीटर तक आंतरिक कोर तक पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें आपको बताया कि पुराने टॉपिक तुम्हें देखने पड़ेंगे, कि पृथ्वी की जो आम समझ बैठे थे बताया था मैंने तापमान घनत्व जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें, जो प्राकृतिक और प्राकृतिक कारक बताए थे उसमें बता रखा है कि यहाँ पे क्या होता है, तापमान और घनत्व दोनों अधिक हो जाते हैं। तापमान भी अधिक होता है और घनत्व भी अधिक। अब तापमान अधिक है, घनत्व भी अधिक है, लेकिन ऊपर से दबाव बना रहता है तो कैसा होगा ये? साथ में क्या होता है? दबाव भी अधिक रहता है। दबाव अधिक कहाँ का है? ऊपर का। ठीक है, अब ऊपर का दबाव अधिक होने के कारण ये कैसा होगा? ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में रहता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से इतना अधिक दबाव पड़ा होता है, तापमान अधिक है, घनत्व अधिक है, लेकिन दबाव भी अधिक होने के कारण ये कैसा रहता है? हमेशा ठोस अवस्था में ही रहता है। यानी अपना व्यवहार जो करता है ठोस अवस्था जैसा व्यवहार ले सकते हैं उसको, जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंतरिक के आधार पर वर्गीकरण। और वैसे मैंने तुम्हें समझाया तो मैं थोड़ा समझा दे रही हूँ थोड़ा, कि हमने उनको कैसे बांटा था, क्रस्ट, मेटल और कोर, तीन हिस्सों में बांटा था, क्रस्ट, मेटल और कोर, इनके भी चार हिस्से किए थे, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेटल, निचली मेटल, ऊपरी कोर, निचली कोर। अब इनकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं को देखो, हमने बहुत सारे पार्ट किए थे, बहुत अच्छे से डायग्राम हमें समझा भी रखा है, लेकिन अगर हम एक जैसे गुणों की बात करें तो उस हिसाब से इसको हम चार भागों में बांटते हैं, लिथोस्फीयर, एस्टोनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बैरोस्फीयर। ये नामों से नहीं आता है, इनकी विशेषताओं के आधार पर कुछ कथन और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं नेट में वो आते रहते हैं, कथन और व्याख्या करने को आती है ना, कथन और शब्द स्पष्ट कीजिए, तो ए बी से संबंधित है, ए बी से अधिक संबंध नहीं रखता है, ए गलत है, आर सही है, तो वो सब किस में बनती है? वो इन्हीं तरह के टॉपिक है उसके अंतर्गत बनते हैं। इसीलिए मैंने छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर क्लियर करना चाहा, जिससे कि नेट भी तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।